प्लीज़ सब्सक्राइब सिविल सॉल्यूशन फॉर गवर्नमेंट जॉब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ एल कैरीज ए लोड वेरिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम जीरो एट द लेफ्ट हैंड टू मैक्सिमम एट राइट हैंड। द मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट ऑकर एट ए डिस्टेंस ऑफ। आप लोगों के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, ए बी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्ट के बीम के ऊपर ए पॉइंट में लोड जीरो है, बी पॉइंट में लोड डब्लू है, एस टू बी लोड वेरिंग हो रहा है यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो टोटल लोड क्या होगा, टोटल लोड मतलब एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर ऑफ द रोड कप, मतलब हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू एल, एल मीन्स स्पैन लेंथ, डब्ल्यू मीन्स मैक्सिमम लोड, ठीक है, एट द बी पॉइंट, ठीक है। उसके बाद देखिए, टेकिंग द मूवमेंट अबाउट द ए, ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम लोग मूवमेंट लेते हैं, तो क्या होगा, आर बी इंटू एल हो गया। देखिए, आर बी एल का डायरेक्शन कौन सा हो गया, आर बी एल का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू हाफ इंटू डब्ल्यू एल, दैट इज द टोटल लोड, इसका डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, एंड द लोड कहाँ से एक्ट करेगा, सी जी से एक्ट करेगा, डिस्टेंस ऑफ द सी जी टू एल बाई थ्री, ठीक है। तो वहां से आप लोग का आर बी निकल जाएगा, आर बी का वैल्यू क्या है, आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई थ्री, ठीक है। तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल लोड होगा, तो आर ए का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, आर ए का वैल्यू होगा डब्ल्यू एल बाई सिक्स। अभी देखिए, बेंडिंग मूवमेंट हम लोग को कोई भी सेक्शन में निकलना है, तो बेंडिंग मूवमेंट हम लोग एक सेक्शन पकड़ लेते हैं ऑय फ्रॉम द लेफ्ट एंड, दैट मीन्स ए से, ठीक है। तो अभी बेंडिंग मूवमेंट का मतलब क्या होता है, उसका लेफ्ट हैंड साइड में जितना लोड एक्ट कर रहा है उसका मूवमेंट अबाउट दिस सेक्शन, सो एम इज इक्वल टू आर ए इंटू ऑय माइनस लोड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इंटू सी जी ऑफ द लोड, दैट लोड, ठीक है। तो देखिए, अभी क्या है, आर ए का वैल्यू कितना है हम लोग को मालूम है, डब्ल्यू एल बाई सिक्स इंटू ऑय, दैट इज द आर ए का वैल्यू। अभी देखिए, ऑय पोर्सन जब तक हम लोग लेंगे वहां पर एक ट्राइंगुलर लोड आएगा, तो ट्राइंगुलर लोड का देखिए, ट्राइंगुलर लोड का मैक्सिमम लोड क्या होगा, मैक्सिमम लोड हम लोग वाई सेक्शन में ले रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम लोड एल के लिए क्या है, डब्ल्यू है, तो वाई के लिए क्या होगा, तो एल के लिए डब्ल्यू, ऑन के लिए डब्ल्यू बाई एल, वाई के लिए डब्ल्यू बाई एल इंटू वाई, ठीक है। और कितना डिस्टेंस तक, इंटू वाई डिस्टेंस तक, इंटू हाफ, दैट इज अ ट्राइंगुलर एरिया, एंड सी जी क्या होगा, इंटू ऑन थर्ड वाई, ठीक है। फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट डी एम डी वाई इज इक्वल टू जीरो, मतलब डब्ल्यू एल बाई सिक्स माइनस डब्ल्यू वाई स्क्वायर बाई टू एल इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू एल बाई रूट ओवर थ्री, ठीक है। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए कैंटिलीवर बीम कैरीज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द इंटायर लेंथ, देन द शेप ऑफ द शियर फोर्स डायग्राम एंड द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम रेस्पेक्टिवली आर। आप लोगों के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर क्या होता है, अगर लोड कर्व एन होगा तो शियर फोर्स कर्व क्या होगा, एन प्लस वन, बेंडिंग मूवमेंट कर्व क्या होगा, एन प्लस टू। अभी यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है यूडीएल लोड बोला है, उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब क्या हो गया, एन हो गया जीरो, मतलब लोड विल बी कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा, इन प्लस ऑन, मतलब जीरो प्लस ऑन, मतलब ऑन, मतलब ट्राइंगुलर होगा, और बेंडिंग मोमेंट कैप क्या होगा, इन प्लस टू, मतलब टू होगा, मतलब पैराबोलिक होगा। तो आप लोगों के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर देखिए, बी विल बी करेक्ट, ठीक है, ट्राइंगुलर एंड क्वाड्रेटिक पैराबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पोर्शन ऑफ ए बीम बिटवीन टू सेक्शन इज सेट to be pure bending when there is, आप लोगों के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। देखिए, प्योर बेंडिंग का मतलब क्या है, तो बेंडिंग मोमेंट तो कांस्टेंट रहेगा, तो प्योर बेंडिंग होगा। उसके बाद शियर फोर्स क्या होगा, अगर शियर फोर्स का वेरिएशन होते रहेगा तो बेंडिंग भी कांस्टेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है, ताकि dm dx इज इक्वल टू शियर फोर्स होता है, ठीक है। तो क्या होगा, शियर फोर्स को जीरो होना पड़ेगा एंड बेंडिंग मोमेंट को कॉन्स्टेंट होना पड़ेगा। तो आप लोगों के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ वेथ टू डेप्थ ऑफ ए स्ट्रॉन्गेस्ट बीम दैट कैन बी कट आउट
ऑफ ए सिलेंड्रिकल लॉग ऑफ वुड इज, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अभी क्या बोला है, एक सिलेंड्रिकल लॉग बोला है, उसके अंदर हम लोग को एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगुलर सेक्शन निकलना है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन कौन सा होता है, जहां पर सेक्शन मॉड्यूलस ज्यादा होता है वही स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन होता है। तो हम लोग पकड़ लेते हैं एक सर्किल, उसका डायमीटर क्या है डी, और उसके अंदर एक्स है आप लोगों के पास वाइड एंड वाई है आप लोगों के पास डेप्थ, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन, ठीक है। तो सेक्शन मॉड्यूलस क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर बाई सिक्स, ठीक है, सेक्शन मॉड्यूलस हो गया। वाई का मतलब क्या है, देखिए ये जो है एक ट्राइंगुलर फॉर्म कर रहा है, एक्स वाई एंड डी एक ट्राइंगुलर फॉर्म कर रहा है। तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा, वाई इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई सिक्स, ठीक है। फॉर मैक्सिमम ऑफ द जेड क्या होगा, डी जेड डी एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा। उसका मतलब क्या हो गया, डी स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर विल बी जीरो, एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया डी बाई रूट थ्री, ठीक है। तो वाई का वैल्यू क्या होगा, हम लोग ने पहले ही बोला था फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगुलर सेक्शन से हम लोग को क्या मिला था, वाई इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वहां से आप लोग को मिल जाएगा रूट ओवर टू डी बाय रूट ओवर थ्री। तो वाई का डेप्थ का रेशियो होगा तो क्या मिलेगा, वन बाय रूट टू। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द सेवरल प्रिज्मेटिक बीम ऑफ इक्वल लेंथ द स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेक्चर इन ऑन हैविंग द मैक्सिमम। देखिए हम लोग का जो फ्लेक्चर का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, एम बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई, ठीक है। उसका मतलब क्या हो गया, एम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू आई बाई वाई, ठीक है। तो आई बाई वाई का मतलब क्या है, सेक्शन मॉड्यूलस, ठीक है। तो एम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू जेड हो गया। देखिए फॉर्म से देखिए फॉर सेम मेटेरियल सिग्मा क्या होगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ द मूवमेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली डिपेंड करेगा सेक्शन मॉड्यूलस के ऊपर। जिसका सेक्शन मॉड्यूलस ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तो आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द टू प्रिज्मेटिक बीम ऑफ सेम मेटेरियल लेंथ एंड फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ ऑन सर्कुलर एंड अदर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सर्कुलर एंड द स्क्वायर बीम इज। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ सेम ही होगा। देखिए हम लोग को क्या मालूम है, एम बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई। यहाँ पर क्या कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर सिग्मा कांस्टेंट हो गया। उसका मतलब क्या हो गया, सिग्मा इज इक्वल टू एम बाई जेड, ठीक है। उसका मतलब जेड को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा, तो जेड कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो हम लोग जो सर्कुलर सेक्शन कंसीडर करते हैं उसका डायमीटर क्या है, उसका डायमीटर डी है, ठीक है। तो जेड का वैल्यू क्या होगा, पाई बाई 32 इंटू डी टू द पावर क्यू, ठीक है। तो हम लोग को जो स्क्वायर कंसीडर करते हैं उसका साइड है ए, तो सेक्शन मॉड्यूलस क्या होगा, ए क्यूब बाई सिक्स। अभी क्या बोला है, सेक्शन मॉड्यूलस इक्वल होगा, उसका मतलब पाई डी क्यूब बाई 32 इज इक्वल टू ए क्यूब बाई सिक्स, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से डी बाई ए का एक रिलेशन मिल जाएगा, डी बाई ए होल टू दावर क्यू इज इक्वल टू 16 बाई 3 पाई, ठीक है। अभी वेट मांगा है, वेट का मतलब क्या होता है, वेट का मतलब होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पर सेम मटेरियल बोला है तो डेंसिटी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर वेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यहाँ पर वेट डिपेंड करेगा वॉल्यूम के ऊपर, मगर यहाँ पर लेंथ भी इक्वल बोल दिया होगा। उसका मतलब वेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वेट डायरेक्टली डिपेंड करेगा सिर्फ एरिया के ऊपर। उसका मतलब डब्ल्यू सी बाई डब्ल्यू एस इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग को मिल जाएगा 1.118। तो आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फ्लिस्ट बीम कंसिस्ट ऑफ ए वुडन जॉइंट 150 mm वाइड एंड 300 mm डीप स्ट्रेंथ बाई द स्टील प्लेट 10 mm थिक एंड 300 mm डीप ऑन एन आइदर साइड ऑफ द जॉइस्ट इफ द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्टील इज 20 टाइम्स डेट ऑफ द वुड
देन द वाइड ऑफ द इक्विवेलेंट वुडन सेक्शन इज, यहाँ पर मॉड्यूलर रेशियो कितना बोला है, यहाँ पर मॉड्यूलर रेशियो बोला है 20। ठीक है, आप लोग के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। यहाँ पर मॉड्यूलर रेशियो क्या है, यहाँ पर मॉड्यूलर रेशियो है एम इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो 150 mm एक वुडन सेक्शन है, उसके दोनों साइड में 10 mm करके एक स्टील सेक्शन है, तो 10 mm स्टील सेक्शन को अगर हम लोग ने वुडन सेक्शन में कंसिडर कर दिया तो क्या होगा, थिकनेस इंटू मॉड्यूलर रेशियो मतलब 10 × 20। ठीक है, तो दोनों साइड में क्या होगा, 10 × 20 प्लस 10 × 20 प्लस 150 mm, तो क्या मिलेगा 550 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज, आप लोग के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ये आपको याद रखना ही सही है। देखिए यहाँ पर कुछ सेक्शन है, रेक्टेंगुलर सर्कुलर ट्रायंगुलर रोम्बस सेक्शन। ठीक है, तो मैक्सिमम शेयरस्टेस क्या होगा, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए क्या होगा 1.5 × एवरेज शेयरस्टेस, सर्कुलर सेक्शन के लिए क्या होगा 4/3 × एवरेज शेयर स्ट्रेस, ट्रायंगुलर सेक्शन में के लिए क्या होगा 3/2 × एवरेज शेयर स्ट्रेस, रोम्बस के लिए क्या होगा 9/8 × एवरेज शेयर स्ट्रेस, ये आपको याद रखना ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बीम ऑफ द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ 100 mm वाइड 200 mm डेप्थ इफ द सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू ए शेयर फोर्स ऑफ 20 kN देन द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन द सेक्शन इज, आप लोगों के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। शेयर फोर्स क्या बोला है 20 kN, उसका मतलब 2 × 10⁴ N। ठीक है, वाइड कितना बोला है 100 mm, डेप्थ कितना बोला है 200 mm, तो एवरेज शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू शेयर फोर्स बाय एरिया, शेयर फोर्स मतलब 2 × 10⁴ बाय 200 × 100 इज इक्वल टू 1 N/mm², तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या होगा 3/2 × 1 मतलब 1.5 N/mm². ठीक है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू 3/2 × एवरेज शेयर स्ट्रेस है, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मैक्सिमम फ्लेक्चरल स्ट्रेस इन द टिम्बर जॉइस्ट ऑफ फ्लिस्ट बीम शोन इन फिगर 10.3 इज 7 N/mm², देन द मैक्सिमम स्ट्रेस रीच्ड इन द स्टील सेक्शन। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मॉड्यूलर रेशियो कितना बोला है, एम इज इक्वल टू 10 बोला है। ठीक है, तो हम लोग के कोई भी सेक्शन में क्या होगा, स्ट्रेन कांस्टेंट होता है मगर स्ट्रेस कांस्टेंट नहीं होगा, तो यहाँ पर वुडन सेक्शन भी स्ट्रेन कांस्टेंट होगा और स्टील सेक्शन भी स्ट्रेन कांस्टेंट होगा। ठीक है, अगर वुडन सेक्शन में मैक्सिमम स्ट्रेस 7 होगा तो स्टील सेक्शन में क्या होगा 7 × मॉड्यूलर रेशियो। ठीक है, मतलब 7 × 10 मतलब 70। आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर बी विल बी करेक्ट। प्लीज सब्सक्राइब सिविल सॉल्यूशन फॉर गवर्नमेंट जॉब एंड प्रेस द बेल आइकॉन।